5 में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। तो वैसे तो ये 5 मिनट का ही काम है, विजुलाइज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 मैं क्वेश्चन यहां पे रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 2 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपको ये दो क्वेश्चन है और एग्जांपल है 11 नंबर का, 5.37 बार 7 के ऊपर है अप टू 5 डेसिमल पॉइंट, आपको इसको विजुलाइज करना है। एकदम सिंपल टॉपिक है, खाली एक क्वेश्चन समझोगे तो बाकी के दोनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो मैं आपको यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, 4.26 बार, और इसमें पूछे कि 4 प्लेस तक जाना है आपको, इसका मतलब आपको डेसिमल के बाद 4.2626 ऐसा नंबर आपको सोचना पड़ेगा। वैसे भी ऐसे ही जाएगा, बट इसमें पर्टिकुलर पूछा है तो आपको खाली इतना ही आपको रिप्रेजेंट करना है। वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला है, तो आपको इसको बताना पड़ेगा, लेकिन इसमें 4 डेसिमल प्लेस तक पूछा है। क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे समझाओ, नंबर लाइन ड्रॉ करना आता है? हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, सिंगल लाइन खींचते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं। जनरली हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के उसके पार्ट्स करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 4 पॉइंट दिख रहा है, अगर आपको पहला वाला स्टेप करना है तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ कि 0 से पहले इसको सोचो, 4 को अगर नंबर लाइन में बताना है तो क्या कर सकते हो, तो आपके पास जो नंबर लाइन होगी वो नंबर लाइन में 0 से 10 तक जाना पड़ेगा आपको। मेन होगा ये वाला 0, फिर यहाँ पे होगा मेन वाला 10, चलो यहाँ पे मैं लिख दू यहाँ पे मेन वाला मार्क, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 वाला थोड़ा सा बड़ा करेंगे समझने के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको फ्रेंड्स नंबर लाइन में स्केल यूज करना है, और 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। यहाँ पे मैं लिख दू 1, थोड़ा राइटिंग छोटे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया। अब आपको पता है कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, मतलब 4.2 है, तो 4.2 कहां पे प्लेस करेगा, तो आपको पता है कि भाई ये दोनों के बीच में प्लेस करेगा, तो इसको मैं क्या करता हूं, मैग्निफाई, यानी इसको हमको क्या करना है, थोड़ा एनलार्ज करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10, जैसे कैमरा में जूम करते हैं उसमें इंटू 10 करते हैं, वो टाइप का फॉर्मेट हुआ यहाँ पे, आपको अगर समझ पाया है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 4.5 के बीच में इक्वल 10 पार्ट्स कर दूंगा पहले तो मैं, और इसके बीच में मैं बताऊंगा 4.2 कहां पर है। तो हम देखो यहां पे, देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पे विजुलाइज कर रहा हूं आगे, तो ये दो नंबर आपको लिखने पड़ेंगे यहां पे, नीचे कॉपी करने होंगे। पहले तो नंबर बता दे सिंपल सी, चलो यहां पे मेन हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग कि इसको आगे कैसे एनलार्ज करना है, तो इसमें सिंपल मेथड आपको समझा दो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना इसमें, तो मेरे एक वर्ड खाली याद रखना कि पीछे क्या लगा देना है, 0 लगाओ बस, खाली क्या लगाना है आपको, 0, ये मेरी बात याद रखना, ये आप शॉर्टकट समझो या एक्सप्लेनेशन समझो कि 4 पॉइंट और 5 पॉइंट इसके पीछे में लगा दू 0, तो आपको ये एकदम इजी लग जाएगा, क्योंकि यही इसमें सबको डाउट रहते हैं कि इसमें पीछे 4.1 अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जैसे 2-3 डिजिट आगे सोल्व करोगे, 2, 6, 2 यहाँ पे पहुंचोगे, तो यहाँ पे पहुंचोगे, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट रहने वाले हैं। तो मैं आपको पहले से मैंने समझा दिया कि ऐसे आपको करना है, फिर यहाँ पे 10 पार्ट्स आपको करना है, वो तो सेम मेथड अभी कंटिन्यू होगी। चलो यहाँ पे होगा 4.0, अब आप खुद बोल सकते हो अगर मैंने 4 और 5 लिखा होता तो इसके बीच में 10 पार्ट्स करना होता था, थोड़ा वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4.0, तो डायरेक्ट आपको याद आएगा कि हाँ भाई 0 के बाद 1 आएगा, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलो बोलते जाओ 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब इसमें 4.2 तो हमने बता दिया, अब इसमें पीछे है 6, यानी वो 4.26, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो मेथड था ना, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि 4.2 था इज बिटवीन 4 and 5। अब यहां पे मैं आगे समझाऊ 4.26, तो 4.26 किसके बीच में होगा यहां पे, तो 4.2 एंड 4.3 के बीच में होगा। अब आगे वापस कंटिन्यू करोगे 4.262, 4.262
262। पहले इतना तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो इसको वापस यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। किसके बीच में नंबर मिला आपको 4.2 एंड 4.3, तो इसको मैं यहां पे देखो एनलाइज कर रहा हूं। बॉर्डर खास देखना यहां पे। चलो यहां पे हुआ 4.2 और वहां पे हुआ 4.3। ऑफिशियली यहां पे हम 4.2 लिखते हैं और यहां पे ऑफिशियली लिखते हैं 4.3। बट मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, पीछे लगा दो जीरो। अब आपको इजी हो जाएगा। देखो ये जीरो लगाया, अब ये जीरो लगाया। अब करते जाओ यहां पे काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो बोलो यहां पे 4.21 4.22 ये हो जाएगा 4.23 4.24 4.25। वैसे बोल रहा हूं अगर कैमरा में ना देखे तो थोड़ा समझ लेना। 4.27 4.28 4.29। चलो अब इसमें क्या करें, तो आपको बता दूं यहां की 4.2 यहां तक तो पहुंच गए। अब आपको यहां पे 4.26 सोचना है। तो 4.26 यहां पे हम देखो यहां पे आ गए। इसके बाद लिखा है 2, यानी कि हमको दिख रहा है कि ये 4.262 ये दोनों के बीच में होगा। 4.26 हो गए 4.26, तो यहां पे हो गया 4.262 इज बिटवीन 4.26 एंड 4.27। तो ये हो गया, सॉरी क्या गलत किया मैंने कुछ नहीं, ओके 4.26 एंड 4.27। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो इसको एनालाइज करना होगा वापस आपको। ये 1 और यहां पे लास्ट में 10 नंबर पे। चलो 4.26 है तो 26 के पीछे मैंने समझाया आपको क्या लगाना है, खाली 0। और यहां पे 4.27 है तो 27 के बाद में क्या लगाना है मुझे 0, वो आपको समझ में आ गया है। 4.270 4.270। चलो क्या करूं मैं, अब यहां पे 10 पार्ट्स कर दू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाला। अब यहां पे 0 के पीछे जो है उसमें बोलते जाओ 1 1 1। 4.261 ये 4.262 4.263 4.264 यहां पे 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। अब यहां पे 262 तक जाओ तो 262 यहां पे दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में आएगा हमारा नंबर। चलो इसको वापस हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। किसके बीच में आया तो 4.2626 इज बिटवीन 4.262 ये वाला है ना, बस एक एक डिजिट यहां पे कम करते जाना आपको। यहां पे 262 एंड 4.263। चलो नंबर एंड बनाते हैं और इसमें 10 पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10। चलो 4.262, अब मैंने बोला था आपको याद करो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको कहां पे लगने वाली है कि यहां पे किसके बीच में नंबर आता है वो, और यहां पे क्या लिखे। तो मैंने आपको क्या समझाया, पीछे लगा देना क्या जीरो। चलो पीछे लगा दिया जीरो, अब आप खुद काम कर सकते हो। चलो 4.2621 ये हो जाएगा 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 हमको 4.2626 लिखना था। देखो हमारा आंसर आ गया ये वाला 4.2627 4.2628 एंड 4.2629 2630। तो हमारा आंसर कौन कौन सा वाला है, 4.2626 ये वाला हमारा आंसर है। इसको थोड़ा अलग पेन से हाईलाइट कर दोगे 4.2626 4.2626 ये आपका आंसर। अब बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। 3.765 मैंने जैसे समझाया, एक एक नंबर लेते जाना है और पीछे आपको जीरो लगाते जाना है। ये वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस होमवर्क में करोगे, लिख दो इतना। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है क्लासिफाई रेशनल और इरेशनल नंबर। ये जो नंबर से 4-5 क्वेश्चन दिए उसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। वैसे पूरा क्लासिफिकेशन आप प्रीवियस लेक्चर में, यानी सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में पूरा क्लासिफिकेशन समझाया था सेकंड लेक्चर में,
वो क्लासिफिकेशन है, वही यहाँ पे आपको काम में आने वाला है। एक यहाँ पे आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पे कि कौन से टॉपिक उसमें थे, कि रेशनल नंबर में क्या था कि जिसका रूट निकल जाता है उसको बोलते हैं कौन से नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर। आपको याद होना चाहिए कि 5.13131313 ऐसे जो नंबर थे डॉट 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 वाले, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो रेशनल में थे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस में थे, तो वो नंबर थे इरेशनल नंबर में। पाई, वो पाई भी क्या है, खुद इरेशनल नंबर है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 2 × π दिख रहा है, तो इरेशनल नंबर को याद रखना है आपको, इरेशनल नंबर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करो ना यहाँ पे कोई भी नंबर से, तो नंबर क्या रहेगा, हमेशा रेशनल नंबर ही रहेगा, ये याद रखना। अगर इरेशनल नंबर को सेम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर इरेशनल नंबर रहेगा यहाँ पे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी कोई सिंगल नंबर से कर रहे हो 1, 2, 3 पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे 2π है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दू 1/π से मल्टीप्लाई कर दू ना, तो 2π/π क्या हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा, तो रेशनल में चला जाएगा। बट ये नंबर कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/√2, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, नीचे से ऊपर 1/√2। अब आपको पता है कि 2 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, और इसका रूट निकालने बैठोगे तो रूट निकलेगा नहीं। इसका रूट निकालोगे तो वैसे तो आंसर आ सकता है, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसमें भी रिकरिंग तो नहीं होगा, क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। यानी कि ये हो जाएगा कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपको याद रखना है। चलो ये वैसा दिख रहा है √7 √7 पे 7 का भी रूट नहीं निकलता है, मतलब 7 का रूट निकालना बैठोगे तो भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में चला जाएगा, तो ये होगा इरेशनल नंबर। बट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको देखना पड़ेगा कि 2/√7, 7 में √7 कैंसिल, तो आपको आंसर मिला 2/7। अब ये जाके कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये वाला देखो, 3 + √23 - √23। तो जैसे मैंने समझाया कि 23 का रूट निकालने बैठोगे, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर अंदर रूट के अंदर घुस जाएगा, तो उसका रूट निकालने बैठोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। बट इसको सिंप्लीफाई किया ना तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि आपको जल्दबाजी में आंसर लिखना नहीं है, इसको पहले देखो, सिंप्लीफाई करो, बाद में आप आंसर यहाँ पे लिखो। तो 3 + √23 है और -√23 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, खाली आंसर बचेगा 3। देखो कौन सा नंबर आया, तो ये हुआ रेशनल नंबर। चलो ये वाला देखो, 2 - √5। अब 2 में से √5 तो निकलेगा नहीं यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे √5 निकालने जाओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में चला जाएगा, यानी कि √5 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर कट करो तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर ही रहने वाला, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये हुआ इरेशनल नंबर। अब इसके साथ आपके एग्जाम्पल में भी आपको दिखेगा, एक सेम एग्जाम्पल आपको दिखेगा प्रीवियस एक्सरसाइज का, पहले देखना। तो ऐसे नंबर दिए और आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, आंसर बताना है, वो आप होमवर्क में कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है आपको। अब ये क्वेश्चन मुझे स्टार्ट करना है तो इसके पहले मुझे कुछ बेसिक चीज सिखानी पड़ेगी। वैसे तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो, डायरेक्ट में चालू कर दो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद कर सकते हो। बट फिर भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म वाले कॉन्सेप्ट में आपको 800 में थोड़े से जो आए थे उसको मैं सिखा देता हूँ, लेकिन इसमें रूट के बारे में सीखना पड़ेगा। याद रखना कि 5√7 + 2√7 ये दोनों लाइक टर्म है, तो रूट के अंदर जो है ना वो आपको चेक करना पड़ेगा। √7 है सेम है, हाँ, तो हो जाएगा 7 × √7। अगर यहाँ पे 3 times होता था तो 5 × √7, 3 × √7 जितना हुआ टोटल 8 × √7। तो ये आपको याद रखना है, तो हो गया ये वाला। नेक्स्ट, अब आपको माइनस वाला समझाओ, जैसे कि 8√3 - 3√3 ऐसा कुछ है, या तो यहाँ पे ले लो, चलो 2 times √3 है, तो 8 times √3 - 2 times √3 ये हो पाएगा, क्यों, √3 √3 है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 times √3 होगा। अब सेम में अगर आपको समझा दो कि 5√7 में 3√5 ऐड करना है तो वो नहीं हो पाएगा, √7 √5 है, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेम माइनस में भी सेम जाएगा, 8√3 है, माइनस √3 की जगह कुछ और लिख देते हैं, √5 बोल देते हैं, √7 बोल देते हैं,
तो इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वाले में क्या होगा तो चेक करते हैं, 5√3 × 3√2 ऐसा है। तो इसमें याद रखना रूट वाले का मल्टीप्लीकेशन रूट वाले के साथ, बाहर वाले का मल्टीप्लीकेशन बाहर वाले के साथ, यानी 5 × 3 करो तो 15, √3 × √2 करो तो आंसर आएगा √6, √3 × √2 आंसर आएगा √6। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि रूट करना है मल्टीप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इतना याद रखना है कि रूट वाले का रूट के साथ, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ। चलो सेम डिविजन में भी होता है, 16 टाइम रूट बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड बाय 2 टाइम अंडर रूट 5, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 8 हो जाएगा और ये 5 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8√2, यानी रूट वाले का रूट वाले के साथ डिवीजन, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ डिवीजन। एक्सपोनेंट पावर का ही एक फन टाइप का एक क्या है स्टेप है, आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको सिंप्लीफाई करना है, 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। अब इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक 4 क्वेश्चन समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको दो तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो 3 + √3 + 2 + √7। अब आपको पता है इसमें प्रॉपर्टी आइडेंटिटी इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी वो चेक करना है, नहीं लगेगी तो क्या करोगे वो आप देखोगे यहाँ पे। तो ए स्टैंडर्ड में जब आपके पास 4 आइडेंटिटी थी, x + a x + b वाली, फिर थी a + b2, फिर थी a - b2, फिर एक थी a²-b² वाली, आपके पास 4 आइडेंटिटी थी, वो यहाँ पे लगाना है, कहीं ना कहीं लग सकती है। तो अगर नहीं है तो क्या करना है वो आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसमें आइडेंटिटी नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका मतलब हुआ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ। चलो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ 2 + √7, √3 को मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के साथ 2 + √7। अब 3 × 2 करोगे यानी ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ भी जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ भी जाएगा, यानी 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ और 3 का मल्टीप्लीकेशन √7 के साथ, यानी 3 × 2 कितना हुआ 6 एंड 3 × √7 कितना हो जाएगा 3√7। √3 × 2 क्या हुआ देखो यहां पे समझे तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे और यहां पर भी, तो 2/√3 एंड √3 × √7 कितना हो जाएगा √21। अब लाइक टर्म है तो देखो 6 के बाद यहाँ पे कोई नहीं है, √7 वाला कोई नहीं है, √3 वाला कोई नहीं है, √21 वाला अकेला बचा, तो ये हो गया आपका आंसर। सेम तरीके से आप भी बाकी के सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपको होमवर्क में दे दो तो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 3 + √3 3 - √3, तो इसमें आइडेंटिटी लेके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, अगर ये वाले मेथड से करोगे तो भी चलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे पहले फर्स्ट मेथड समझा देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी है तो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3 a + b a - b = a²-b²। तो यहाँ पे a²-b² कैसे लगेगा देखो a + b a - b तो a² a की जगह है 3 और b की जगह है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3² और ये हो गया √3². अब 3² हो जाएगा 9, √3² होगा 3, तो आंसर मिला कितना 6। अगर आपको ये वाली मेथड से करना है विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी तो कैसे कर सकते देखो 3 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ले जाओ 3 - √3 के साथ, और √3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ ले जाओ 3 - √3 के साथ। अब इसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ कितना होगा 9, 3 का मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ कितना होगा 3√3, √3 × 3 करोगे तो 3√3 एंड √3 × √3 करोगे तो 3 हो जाएगा। चलो 9 - 3 कितना हुआ 6, ये -3√3 + 3√3 कितना हुआ कैंसल, तो आंसर हुआ 0। तो सेम तरीके से वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम सॉल्यूशन है आपके लिए, खाली 3 की जगह 5 यानी ये √5 होगा और √3 की जगह √2 है, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अगर इसमें आपको यूजिंग आइडेंटिटी करना है तो क्या करोगे तो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2 याद करो a + b² वो होता था a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या करो, ए स्क्वायर यानी रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया रूट फाइव, ये हो गया रूट टू, ये हो गया रूट टू। तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा, टू अंडर रूट टेन। रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट फोर यानी कि टू। लाइक हम देखो फाइव प्लस टू कितना हो जाएगा, सेवन, सेवन प्लस टू रूट सेवन। अगर आपको यूजिंग आइडेंटिटी से मजा नहीं आया सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको ये वाली मेथड, वैसे तो ऑथेंटिक मेथड यही रहेगी आपके लिए, बट फिर भी अगर आपको ये वाला मेथड देखना है तो कैसे करना है तो मैं समझा देता हूं। रूट फाइव प्लस रूट टू का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, टू टाइम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे किया, रूट फाइव प्लस रूट टू हमने टू टाइम लिख दिया। अब इसके जैसे इक्वेशन हो गए, बोलते जाओ चलो रूट फाइव का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के साथ रूट फाइव प्लस रूट टू के साथ, और रूट टू का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट टू के साथ। रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना हुआ, फाइव। रूट फाइव इंटू रूट टू तो रूट टेन, रूट टू इंटू रूट फाइव रूट टेन, एंड रूट टू इंटू रूट टू तो टू, फाइव प्लस टू सेवन, एंड रूट टेन रूट टेन कितना हो जाएगा, टू टाइम रूट टेन। तो यह होमवर्क में कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फोर लिख दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर फाइव में रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर, जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें नंबर लाइन है, तो एक्सरसाइज 1.2 जब कंटिन्यू करेंगे उसके साथ ही मैं क्वेश्चन ले लूंगा नंबर लाइन के साथ ही। क्वेश्चन नंबर फाइव, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे रेशनलाइज करना है, आपके पास चार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा और ये तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं सबसे पहले रेशनलाइज का मतलब क्या है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। देखो चारों चार में नीचे रूट है, तो हमको ऐसे कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी कि नीचे से रूट गायब हो जाए, यानी ऊपर ट्रांसफर कैसे भी करके आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहला वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, वन बाय रूट सेवन, ऊपर नीचे रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर रूट सेवन बचेगा और नीचे रूट सेवन, तो अंडर रूट 49 हो जाएगा, डेट मीन्स 7 हो जाएगा। ये स्टेप आपको याद रखना है कि अंडर रूट ए, अंडर रूट ए क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर, डेट मीन्स ए। तो ये हो गया रेशनलाइज, हमने कर दिया। वापस इसको रेशनलाइज नहीं करना है, फिर वापस ये रूट सेवन है, ये टू टाइम रूट सेवन, एक रूट सेवन कैंसिल हो गया, तो वापस आप क्वेश्चन में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नीचे से रूट गायब करना पड़ेगा। अभी तीन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊ तो बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर टू करवाता हूँ, देखो तो रूट सेवन माइनस रूट सिक्स नीचे दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है रेशनलाइज करने के लिए, कि नीचे किसी एक की साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये नीचे माइनस दिख रहा है तो माइनस है, तो उसको क्या कर दू मैं, प्लस से मल्टीप्लाई कर दू रूट सेवन रूट सिक्स। अब नीचे है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर और रूट सिक्स का स्क्वायर। नीचे देखो आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं, आइडेंटिटी कौन सी यूज किया हमने, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, वरना इसके हाफ मार्क्स आपको कट हो सकता है। देखो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से समझाते हो, रूट सेवन की साइन प्लस है, रूट सिक्स की साइन माइनस है, तो किसी एक की साइन चेंज कर दो, या तो रूट सेवन की साइन चेंज करो या तो रूट सिक्स की करो। तो आपको दिख रहा है इसे कि माइनस है तो मैं बीच में प्लस कर दू, यहाँ पे कहा लिखू माइनस रूट सेवन माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, वो थोड़ा और लगेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बेटर है हमने माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वन इंटू रूट सेवन प्लस रूट सिक्स तो वही रहेगा, नीचे खाली सिंप्लीफाई करो, रूट सेवन रूट सिक्स, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, तो यहाँ पे बचेगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाय वन, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है, देखो नीचे से रूट गायब हो गया, तो वही होता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे रूट होना चाहिए नहीं। चलो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, और फिर भी चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको भी यहाँ पे रिवाइज हो जाए। एक काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट सॉरी वीडियो पोस्ट करके आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, बाद में चेक कर लो, पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर इसमें थोड़ा समझ में ना आए तो।
पहले तो क्वेश्चन लिखा मैंने, अब देखो किससे किस साइन चेंज करोगे, या तो रूट फाइव की या तो रूट टू की। जनरली हम रूट टू की यानी कि सेकंड टर्म की साइन चेंज कर देंगे, प्लस से तो ऊपर नीचे कितने से माइनस को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस, माइनस था तो प्लस से किया, प्लस है तो माइनस से, रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू, ऊपर वन इंटू तो रूट फाइव माइनस रूट टू बचेगा, नीचे फाइव प्लस टू, सॉरी रूट फाइव प्लस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू, तो क्या बचेगा फाइव माइनस टू, तो अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू डिवाइड बाय थ्री। और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा, कौन सा आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो आप बोलो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले नीचे माइनस है टू के आगे, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुड, रूट सेवन प्लस रूट टू, रूट सेवन प्लस रूट टू, चलो ऊपर बचेगा रूट सेवन प्लस टू, यहाँ पे रूट सेवन माइनस रूट टू, रूट सेवन प्लस रूट टू, यानी ए स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन एंड टू का स्क्वायर फोर, बाजू में लिख दोगे आप आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट सेवन प्लस टू, नीचे हो गया थ्री। तो आपका यहाँ पे 70-80% टॉपिक आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट 1.6 में एक्सपोनेंट पावर वाले एक्सरसाइज करना है, 1.2 में जो नंबर लाइन वाली थी वो कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, यानी आपका 80% टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया।